नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जापान ने सोमवार को नॉर्थ कोरिया के खतरों की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए जॉइंट नेवल मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किया, क्योंकि प्योंगयांग ने वॉशिंगटन पर सैन्य अभ्यास के साथ परमाणु ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। हालांकि तीनों देश वॉशिंगटन में बातचीत पर सहमत हुए। जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने शुक्रवार को एक नई सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल ICBM का परीक्षण किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इसके बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि हाल ही के हफ्तों में अपनी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के हिस्से के रूप में थोड़ी सी चेतावनी के साथ मिसाइल लॉन्च करने का रास्ता आसान कर देगी। हालांकि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के कुछ घंटों बाद नॉर्थ कोरिया की रूलिंग पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष री प्योंग चोल ने एक बयान जारी कर ICBM टेस्ट पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने के लिए अमेरिका की आलोचना की। री प्योंग ने कहा कि नॉर्थ हथियारों का डेवलपमेंट अमेरिका के खिलाफ रक्षा का एक आत्मरक्षक उपाय था। उन्होंने वाशिंगटन पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पूर्व खाली परमाणु हमले और एक चौतरफा युद्ध का अनुकरण करने वाले मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ विस्फोट के कगार पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। री प्योंग ने कहा, अमेरिकी रणनीतिक बंगवशों की हालिया तैनाती इस बात पर साफ सबूत है कि अमेरिका परमाणु खतरा और हमारे खिलाफ ब्लैकमेल उस लेवल तक पहुंच गया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका हमारी पार पार की वार्निंग को नज़रअंदाज करता है और कोरियन प्रायद्वीप के सुरक्षा एनवायरनमेंट को खतरे में डालने वाली कार्यवाही को जारी रखता है तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे ताकि उसे एक साफ डिफेंस का खतरा महसूस होगा। हालांकि साउथ कोरिया की नेवी ने कहा कि नॉर्थ कोरियन ब्लास्टिक मिसाइल उकसाने वाले परीक्षण में एक आभासी टारगेट बनाकर खोज और ट्रैकिंग से लेकर सूचना प्रतिक्रिया में महारत हासिल करने का प्रयास केंद्रित है। और साउथ कोरियन डिस्ट्रॉयर के कैप्टन किम की यंग ने एक बयान में कहा कि यह नॉर्थ कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज सहयोग को मजबूत करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि यह बैलिस्टिक मिसाइल्स को जवाब देने के लिए नेवी की क्षमता और मुद्रा को मजबूत करेगा। हालांकि दूसरी तरफ जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर ट्राइलेटरल सहयोग को बढ़ावा देता है और कानून के शासन के आधार पर एक स्वतंत्र और खुले इंटरनेशनल ऑर्डर को सुरक्षित करने के लिए तीन देशों की मजबूत कमिटमेंट को प्रदर्शित करता है। हालांकि साउथ कोरिया और US ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स सोमवार को 12 दिनों के लिए अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार है। इसके अलावा सोमवार को साउथ कोरिया और जापान ने सियोल में 5 साल के अंतराल के बाद वरिष्ठ राजनयिक और सुरक्षा अधिकारियों की 2+2 वार्ता फिर से शुरू की, क्योंकि उनके संबंध युद्धकालीन इतिहास के मुद्दों पर वर्षों के लंबे झगड़े के बाद ठंडे पड़ गए थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। धन्यवाद।